चिरकुंडा स्थित ताड़लंगा के बावरी टोला में भक्ता पूजा का आयोजन किया गया है। इस पूजा किट में टोला के लोग विगत एक माह पूर्व ही तैयारियों में जुट जाते हैं और 3 दिवसीय इस पूजा में बड़े ही आस्था और लगन के साथ लोग पूजा अर्चना करते हैं। इसकी जानकारी देते हुए आयोजन समिति के सदस्य प्रदीप बावरी ने बताया कि भक्ता पूजा भगवान शिव एवं भैरव बाबा को प्रसाद करने के लिए प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों एवं टोला में सुख शांति और समृद्धि आती है, जिसके कारण प्रत्येक वक्त पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पूजा करते हैं। यह पूजा बावरी टोला के पूर्वजों द्वारा किया जाता रहा है, उसी परंपरा को आज भी टोला के लोग कायम रखे हुए हैं। यह 3 दिवसीय पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पूजा में 16 आना की ओर से बलि की प्रथा है। ऐसा भी माना है कि इस पूजा में सच्चे मन से मांगी गई हर मुरादे पूरी होती हैं। इस आस्था में बावरी टोला के लोग इस पूजा को मनाते हैं। सुख शांति, बाल बच्चा जैसे सुखी रहे, काम धंधा बना रहे, रोजी रोजगार बना रहे। किस देवता का पूजा होता है? ये बाबा धर्मराज का पूजा है। पूजा में क्या क्या विशेषता है? इसका विशेषता ये है कि इसको 3 दिन का उपवास रहता है, निर्जल व्रत रहता है, 2 दिन बाद 1 दिन बाद निर्जल व्रत रहता है। और तो आज पारण है, आज बलि का दिन है और सब मिलके हम लोग इसको उत्साहित के साथ मनाते हैं। कब से पूजा ये करते हैं? ये हमारा भी मालूम नहीं कब से, हम तो 55 साल उम्र हो रहा है, 45 साल से उम्र से पूजा कर रहे हैं। भैरवनाथ इसका नाम है, भैरवनाथ का पूजा। हाँ, और भी है हमारा देवता, बकरा राय है, काला राय है, वो भी है। बाबा भैरवनाथ का पूजा है जो 3 दिवसीय पूजा होता है। अभी परसों से ये पूजा चालू था और यहाँ से हमारे नागपाटा देख ही रहे हैं, भैरवनाथ जिनके ऊपर भाव आता है वो नदी जाते हैं, नदी में स्नान करके पहला दिन कल भी स्नान किए, उसके बाद आए और नागपाटा में भ्रमण किए पूरा गांव को, पूरा शहर को। तो ये आज से नहीं, ये बरसों से चला आ रहा परंपरा। ये क्या विशेषता है? ये पूजा का बहुत विशेषता है, पूजा से शुभ शांति भी मिलती है, गांव शांति रहता है और दुख दर्द से हम लोग दूर भी रहते हैं। और हमारे पूर्वजों का ये प्रथा है, आज सनातनी बोलते हैं, सनातनी का एक पाठ है कि हम लोग आज भैरवनाथ का पूजा करते हैं। बाबा भैरवनाथ भोलेनाथ का ही एक अंश है और हम लोग बराबर, अब देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग भी इस पावन पूजा में सभी लोग भक्ता लोग बने हुए हैं। और आज की परिप्रेक्ष्य में ये देखा जा रहा है कि पूरे झारखंड में जिस तरह मनसा पूजा होता है, हम लोग का भैरवनाथ का पूजा भी, चड़क पूजा हम लोग बराबर आज से नहीं बरसों से, हमारे बाप दादा के समय से ये चला आ रहा है और वही परंपरा को हम लोग भी निभा रहे हैं। और कांटा का सेज पर सोए भी हैं और आज वो देखे नाग जो है, लोहा का नाग बना हुआ नागपाटा से, वहां से नदी के वहां 2 जगह हम लोग को स्टॉपेज है, जैसे कुदरा बाबा है वहाँ पंपू तालाब में, हमारे रोलिंग मिल के अंदर भी देवी देवता है पुराना पूर्वज के समय से, वहां से सब हम लोग आते हैं और वहां से पूजा भाव जिनके ऊपर आता है, बाबा जिसके ऊपर चढ़ते हैं उसको लेके आते हैं और वो आके यहाँ हम लोग ये करते हैं पूजा।